अभिदेश का सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा क्या है? भैया सर, भैया आप बताइए, आप देश का सबसे अच्छा, बनारस का सबसे बड़ा समस्या क्या है? स्कूल बंद करना चाहिए, स्कूल बंद करना चाहिए। ये देखिए, कहना चाहते हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं भैया। भैया सही चल रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं? मैं भी सही चल रहा हूँ भैया के राह पे। भैया के राह पे, भैया नेताजी हैं क्या? नहीं, जो भी शिक्षा देते हैं अच्छा देते हैं मेरे, मैं उन्हीं के राह पे चल रहा हूं। दानी भाई साहब का शेयर धड़ाम धड़ाम नीचे गिरा, उस पे क्या कहना चाहते हैं? उनसे कुछ नहीं लेना, भारत के भविष्य में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। चलिए ठीक है, सपना ऊंचा रखिए। उल्ला पाकिस्तान से नहीं किया जा रहा है, वो नलायक बेटा निकल गया 1947 में, हमसे तो क्या करे, उसको बार बार समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे अडानी भाई साहब का एक समर्थक मिल गए हैं, आइए आइए, ये हिंडनबर्ग का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मत पूछिए, मत पूछिए, उनका कॉमेडी भी नहीं, वो दाढ़ी बढ़ा करके मोदी जी को कॉपी कर रहे हैं। पर्यटन का विकास किसी भी राज्य और शहर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसका जीता जागता उदाहरण अभी काशी या वाराणसी, जो भी आप लोग समझते हैं वो शहर है। यहाँ पे पर्यटन का विकास आज से नहीं, सदियों वर्षों पहले से होते रहा है, इसलिए आज देश के अनेकों कोने से यहाँ पे लोग आते हैं। साथ ही साथ भारत जो है भावनाओं से चलने वाला देश है, और इस देश में जो है बवाल विवाद कुछ नेता लगातार करते रहते हैं। कुछ लोग जो है रामचरितमानस पे विवाद उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो कुछ लोग और भी बहुत सारे मुद्दों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अडानी का शेयर धड़ाम धड़ाम नीचे गिर रहा है। देखिए यहाँ पे एक भाई साहब हैं, हम इनके पीछे जाएंगे और ये भागेंगे। क्या नाम है आपका? जी घनश्याम सर। अच्छा ये बताइए कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है भारत में, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं कहना चाहते हैं, चूंकि इनको रोजगार मिल गया है, एक बात बताइए। अच्छा अडानी भाई साहब का जो शेयर गिर रहा है, हम मंदिर के आगे खड़े हुए हैं, बनारस में खड़े हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? उस पर भी कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा जो हमारे देश के बगल में एक भूखा नंगा भिकमंगा देश पाकिस्तान है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं। इनसे तीन सवाल पूछा और तीनों सवाल का जवाब इन्होंने देने से मतलब कि मना कर दिया, यही चीजें हैं। और फिर लोग कहते हैं कि हमारे हक की बात मीडिया कर ही नहीं रही है, मीडिया ग्राउंड जीरो पे जाती है, लोगों से पूछती है, आप अपनी समस्याओं को बताएंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो फिर नेताजी लोगों को खड़ा करके हम लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा। सही है कि नहीं नेताजी? क्या नाम हुआ आपका? नेताजी हम ये नहीं है, नेताजी नहीं। अच्छा अभी वर्तमान समय में अडानी भाई साहब का जो शेयर गिर रहा है, उस पे क्या कहना चाहते हैं? उस पे हम क्या ही बोले, हमारे देश की सरकार है, वो देखेगी, जो संवैधानिक संस्था है वो जांच करेगी। हाँ। हमको सब मतलब उम्मीद है कि जांच होगा। हाँ, उम्मीद है, जो भी होगा सही। हाँ। होगा। अच्छा रामचरितमानस पे जो है बिहार के शिक्षा मंत्री ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, उसके बाद से यहाँ पे भी एगो नेता हैं और उन्होंने भी उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, और उसके बाद से जो है उज्जैन तक ये विवाद पहुँच चुका है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? इस पे यही कहना चाहते हैं कि देखिए किसी भी धर्म के बारे में हमको नहीं बोलना चाहिए। आपको पहले अपना धर्म अच्छे से पढ़िए, तब ना आप कुछ बोलेंगे, उंगली उठाएंगे, अब कहीं से कुछ दो चीज बीच में तो उठा लेंगे, ये है वो है, अच्छे से पढ़िए। के नगर में है दूगो महादेव भक्त हमको मिले हुए हैं, इनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से हैं आप लोग? सर हम देवरिया से हैं। आप? देवरिया सर। दोनों आदमी देवरिया से। अच्छा ये बताइए अभी देश का सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा क्या है? भैया सर, भैया आप बताइए, आप देश का सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा वही है। क्या? रोजगार। रोजगार, अच्छा रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर जो लोग हैं जायज उनको मिल ही रहा है जी, सरकार दे ही रही है। सरकार दे ही रही है। हाँ। अच्छा बनारस में हैं हम लोग, यहाँ पे काशी में हैं, काशी का विकास उस प्रकार से हुआ या नहीं हुआ? अभी विकास अधूरा है, चूंकि ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? सर बहुत बेहतरीन विकास हुआ है, हम लोग 2007 में यहाँ रहते थे, अभी फिर आए हम लोग तो देखे अच्छा विकास हुआ है। अच्छा विकास हुआ, बहुत बेहतरीन। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं भैया। भैया सही चल रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं? मैं भी सही चल रहा हूँ भैया के राह पे। भैया के राह पे, भैया नेताजी हैं क्या? नहीं। हाँ। जो भी शिक्षा देते अच्छा देते हैं मेरे, मैं उन्हीं के राह पे चलता हूँ। उन्हीं के राह पे, बड़े भैया हैं जी। चलिए ठीक है, ये छोटे भैया हैं, भरत है, ये राम है, इनके रास्ते पे जो है भरत हमेशा चलते रहते हैं। एक दीदी हमें मिली हुई हैं, इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आई हैं आप?
हम अम्बेडकर नगर से आए। अम्बेडकर नगर से यहाँ पे क्यों आई हैं? दवा लेने के लिए ट्रामा सेंटर। ट्रामा सेंटर में तो मिला दवा जी? अच्छा, ट्रामा सेंटर के पास बहुत जाम लगता है जो बनारस का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। उस देखा आपने जाम लगा हुआ था वहाँ पे? जी जाम लगा हुआ था। जाम बढ़िया, ठीक ठाक जाम था, पूरा बढ़िया जाम था। ओ, जाम भी बढ़िया होता है, जाम भी खराब होता है। अच्छा, बढ़िया जाम तो आप देख लिए, खराब जाम कहाँ देखे हैं? जाम यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहा है, वो देखे हैं। सही बात है। तो मोदी जी, ट्रामा सेंटर के पास जो जाम लग रहा है उसका भी निदान का कुछ प्रयास किया जाए। यहाँ पे एगो चाचा जी है, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। टाइटन का घड़ी पहने हैं, समय इनका सही बता रहा है। क्या नाम हुआ आपका? गुलशन बत्रा। अच्छा, बत्रा जी कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से काहे लग यहाँ पे आए हैं? वहाँ पे तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वहीं सब पे मिलिए उनसे। हम यहाँ दर्शन करने हैं, अपने हमारे गुरु जी का सत्संग है। हाँ, रुद्राक्ष में। रुद्राक्ष में वहाँ पे 3 दिन का सत्संग रहा। और यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पे दर्शन करने हैं। अच्छा, बनारस पहले के तुलना में अभी बदला है कि नहीं बदला है? हम पहली बार आए इधर, बाकी सुनने में बहुत बदला है। सुनने में आया है बहुत बदला है। अच्छा, बनारस का जो विकास है उसे देख के आप क्या कहना चाहते हैं? हमें बहुत खुशी हुई है, यहाँ अच्छी साफ सफाई है, पहले से बता रहे हैं। हाँ। बहुत सुंदर लगा। अच्छा, पढ़े लिखे लगते हैं आप, अच्छे परिवार से हैं। अडानी भाई साहब का शेयर धड़ाम धड़ाम नीचे गिर रहा, उस पे क्या कहना चाहते हैं? उनसे कुछ नहीं लेना देना, उससे कुछ नहीं लेना देना है, बस हमें अपने काम से मतलब है। हमारा समय सही बता रहा है, बाकी किसी का समय सही बताए या ना बताए हमें उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, ऐसा चाचा जी का कहना है। ठीक है चाचा जी, इस पे आप कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, रामचरितमानस पे जो विवाद होता है, बार बार सवाल किया जाता है, उस पे भी आप कुछ नहीं बोलेंगे? इन पे भी कुछ नहीं। अच्छा, बेरोजगारी है भारत में, उस पे भी कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, रोजगार बहुत है, अगर इंसान चाहे तो जो मर्जी कर सकता है काम। इंसान चाहे तो जो मर्जी कर सकता है, कर सकता है। इंसान चाहे तो जो मर्जी, जरूरी नहीं कि कर सकता है। ऐसा भैया, भगवान ने दो को हाथ पाव दिया, इंसान कुछ भी कर सकता है। उसके ऊपर सरकार है जो हमारे ऊपर पाबंदियां कई प्रकार की लगा सकती है। सरकार बन जाइए डायरेक्ट, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया ना? हाँ, तो बन सकते हैं, समय आएगा वो भी बन जाएंगे। बनिएगा, बिल्कुल। ताली बजाइए, भारत के भविष्य में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। चलिए ठीक है, सपना ऊंचा रखिए। चाचा ने ये बात सही बोला कि इंसान, अब देखिए ये देखो कौन, तुम ये तो पहचानते भी नहीं है हमको। ये पहचानता है। हाँ, क्या नाम हुआ तुम्हारा? अभिराज रघुवंशी। अच्छा, हमको कैसे जानते हो? यूट्यूब पे। अच्छा, क्या देखे हो मेरा? आप वो रिकॉर्डिंग करते हो आप? रिपोर्टिंग करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि भारत के बारे में क्या जानते हो तुम? भारत के बारे में प्रधानमंत्री मोदी है। हाँ। और और हमारा एगो बेटा है जिसका नाम पाकिस्तान है। क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ए, चला इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हम लोग का बेटा इतना गंदा नहीं हो सकता, हम लोग का बेटा इतना गंदा नहीं हो सकता, भीख मंगा नहीं हो सकता, भूखा नंगा हो है। और हम लोग की तुलना अमेरिका से करने की बजाय हम लोग की तुलना पाकिस्तान से की जाती है जो भूखा नंगा है। और हम तुलना पाकिस्तान से नहीं किया जा रहा है, वो नालायक बेटा निकल गया 1947 में हमसे, तो क्या करे, उसको बार बार समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, बस एटीएम के लाइन में जो है इन्हें आगे लगना रहता है, बाकी मीडिया का माइक दे के भाग जाते हैं लोग। काय भाग रही हैं? बताइए क्या? हम खा जाएंगे क्या? नहीं। तो बताइए आप यहाँ पे क्यों आई हैं? आए हैं घूमने आए हैं। कहाँ से आई हैं? बनारस से ही हैं। अच्छा, बनारस कितना बदला हुआ दिख रहा है आपको? ठीक है, बदले है कुछ, बढ़िया लगता हूँ। हाँ। स्टेशन बढ़िया बन गया थे। हाँ, स्टेशन बढ़िया। हाँ, हाँ। फिर उधर गंगा के किनारे भी सफाई हो गई कुछ। हाँ। अभी क्या, कुछ क्या बोल रहे हैं? कॉरिडोर बढ़िया बन गया। कॉरिडोर बढ़िया। हाँ। बन गया। और क्या क्या बना है? विश्वनाथ टेम्पल बन गया। हाँ। हम भी सिवान से ही हैं, आप ही के सिवान से हैं। हाँ, चलिए ठीक है। यहाँ बढ़िया हुआ मोदी जी के आने पे, सड़क का, हाँ, सड़क का निर्माण बढ़िया हुआ, व्यवस्था बढ़िया, दुर्घटना कम हो रहा है। और अडानी भाई साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो भी ठीक है अपना सब। हाँ, सब पूरा शांति, धड़ाम धड़ाम गिर रहा है, बहुत शांति से बीत रहा है, सलाम दान है, शांति से बीत रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका शेयर करे किसी अमेरिकी कंपनी के कहने से, किसी अमेरिकी कंपनी कहने से, और हमारे इंडियन जो भी शेयर धारक हैं उन हमारा ही लॉस हो रहा है। और जो सरकारें कुछ कर रही हैं, लोन वगैरह इनको दे रही हैं। यहाँ पे अडानी भाई साहब का एक समर्थक मिल गए हैं, आइए आइए, ये हिंडनबर्ग का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, वो विदेशी कंपनी ने कैसे फर्जीवाड़ा किया है? अभी फर्जीवाड़ा का क्या मतलब है, उसको
उसका विकास हुए या ग्रोथ हुए 5 साल ही मैक्सिमम हुए हैं मार्केट में उसको आए। तो किसी 5 साल या 6 साल की कंपनियों पे हम इतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं कि, और अडानी भी जो हैं फिलहाल जब से ये एनडीए की गवर्नमेंट आई तब से कुछ ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट मतलब पैसा कमा लिया ग्रोथ किए हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जो है जैसे जो संपत्ति उनकी कंपनी पे जांच बैठना चाहिए कि नहीं? नहीं, कोई बहुत खास जरूरी नहीं, बिल्कुल बैठना चाहिए। नहीं क्योंकि अरे जो इतने दिन में कितना जल्दी आ गए, वो 5 साल में इतना ज्यादा पैसा कमा लिए हैं। अच्छा कहाँ से आए हो? मधुबनी से, सिंदूरा। कहाँ? बनारस से। बनारस से। अच्छा बनारस का सबसे बड़ा समस्या क्या है? स्कूल बंद करना चाहिए। स्कूल बंद करना चाहिए। ये देखिए स्कूल बंद कर देना चाहिए। स्कूल काहे बंद कर देना चाहिए? क्योंकि कोरोना हुआ था, कोरोना बीच में हुआ था, हम लोगों को भी दिक्कत परेशानी हो गई थी पढ़ाई के बारे में। अभी 1 साल बाद स्कूल खुलना चाहिए। पहले अभी 1 साल बाद स्कूल खुलेगा तो ठीक रहेगा? ठीक रहेगा। तब तक तुम टंडाइली मारते रहोगे? नहीं, तैयारी करते रहेंगे। तैयारी करते रहेंगे। तो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से एक बच्चा जो है मोदी जी से गुहार लगा रहा है कि 1 साल के लिए और स्कूल बंद कर दीजिए क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है। कभी कभी टंडेली मारेंगे, कभी कभी ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे और कभी कभी छुचुंदर वाला काम करते रहेंगे। सही है ना? चलो इसके जो शिक्षक अगर वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा सोटा जो है बजाया कीजिए क्योंकि ये स्कूल नहीं जाना चाहता है। आइए देखिए ये नाची आ रहा है। तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7th। क्या? 7th। अच्छा स्कूल बंद होना चाहिए कि चालू रहना चाहिए? नहीं खुला होना चाहिए। बंद रहना चाहिए कि चालू रहना? खुला रहना चाहिए, उससे हमें बहुत ज्ञान मिलता है। इसको तो ज्ञान चाहिए? नहीं चाहिए। क्लास में देखिए कोरोना में ऐसा चीज हुआ है, मौत बता घर पे रहकर पढ़ा है, लेकिन ऐसा होता है ना घर पे कि पढ़ने का माहौल नहीं होता। क्लास में जाइएगा तो आपको लगेगा नहीं पढ़ना चाहिए, हमसे कुछ आगे जा रहा है, नहीं बच्चा हमको कुछ पढ़ना चाहिए। तुम तो फंस गए। क्या नाम है आपका? सुनील अग्रवाल। अच्छा यही के हैं? नहीं उड़ीसा के हैं। उड़ीसा से यहाँ पे क्यों आए हैं? दर्शन करें भगवान का। कौन कौन से भगवान का दर्शन किए? काशी विश्वनाथ का, अन्नपूर्णा माँ का, विशालाक्षी का। अभी यहाँ मंदिर में दर्शन किए। यहाँ पे मंदिर भी दर्शन किए हैं। अच्छा ये बताइए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो बस विवेकानंद की कॉपी है, उसके क्या बोलेंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मत पूछिए उनका कॉमेडी भी नहीं। वो दाढ़ी बढ़ा करके मोदी जी को कॉपी कर रहे हैं और बस देश पूरा दुनिया भर घूम घूम के पता नहीं कौन। मोदी जी एक बार दाढ़ी बढ़ाए थे तो बंगाल चुनाव हार गए थे, अब राहुल गांधी बढ़ाए। पूरा राहुल गांधी पूरा लोकसभा राज्यसभा सब हारेंगे, उनको कहीं जगह नहीं मिलने वाला। हमने का गम नहीं है। चाचा ईमानदारी से बताइएगा अडानी भाई साहब का शेयर जो धड़ाम धड़ाम नीचे गिर रहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं? उनका अच्छी जांच उच होना चाहिए, कहाँ क्या किए। अच्छा उम्मीद है कि जांच होगा? होगा, पक्का होगा, पक्का होगा, पक्का होगा। बाकी काशी की इस पावन धरती से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो आप लोग भी देश के लिए लगातार कुछ करते रहना। जय हिंद।